हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं जमैका टी ट्वेंटी मैच के थर्ड और फोर्थ प्लेस मैच की, जो होने वाला है एमआईटी वर्सेस यूएनएस के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज रात 9:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी बन सकती है। वेन्यू देख लेते तो यहाँ पर सबीना पार्क कंगेस्टन जमैका में मैच शुरू होगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ना स्पिनर को हेल्प मिलने वाली है। एवरेज स्कोर 80 से 100 के बीच में रहेगा। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब तक टोटल 30 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। 12 मैच जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 17 मैच में चेज हुआ है, एक मैच यहाँ पर नॉट रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआईटी की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिस आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए काफी जरूरी रहता है क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर आपको जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एमआईटी की टीम की। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 6 मैच खेल के आ रही है टीम, 3 मैच विन किए हैं, 3 मैच हारे हैं। लास्ट मैच ओपनिंग की थी रसीद रेमंड ने और जर्मन थॉमस ने। रेमंड की बात करें तो लास्ट मैच में 3 मैच ही खेले थे, बाकी 12-6-11 रन की पारी खेली है। 2022 में ओडी खेले थे 2 मैच, 1 विकेट है, 4 ओवर डाल के। 2019 में क्लब टी20 के 2 मैच खेले हैं, बॉलिंग करी नहीं बैटिंग करी थी जिसमें 13 रन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो खास रिकॉर्ड नहीं बनता। यहाँ से आज जर्मन थॉमस की तरफ सिर्फ लास्ट मैच में ही मौका मिला था जिसमें आप देख सकते हो 2 ओवर डाल के 1 विकेट इन्होंने निकाला था, पर क्लब टी20 का अच्छा स्कोर है, 5 मैच 54 रन है, 3 विकेट है, 7 ओवर डाल के। ओडीडी की बात करें 7 मैच में ना 11 विकेट है, 39 ओवर डाल के। बॉलिंग करता है तो अच्छी बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो मौका दे सकते हो। रेनाल्डो इन ग्राम की तरफ आ जाते हैं तो बैटिंग करता है, अच्छा बैटिंग कर लेता है, देख सकते हो 32-20 नॉट आउट, 0-15-24 नॉट आउट और 31 रन। देख सकते हो सिर्फ 1 मैच में 0 रन की पारी खेली थी, बाकी पूरे 5 मैच में ना अच्छा रिकॉर्ड बनता है। यहाँ से आए डेमियन ब्राइस की तरफ, देख सकते हो 4-1-7-18-23 और 28 लास्ट मैच में 28 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली थी, अच्छा बैटिंग कर लेता है। यहाँ से आए जर्मन चेस्लॉम की तरफ, 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और यहाँ पर विकेट देख सकते हो 0 रन। लास्ट मैच में बॉलिंग मिली नहीं वरना अच्छी बॉलिंग कर लेता है, मौका दे सकते हो। रोशन पोटिंगर की तरफ आ जाते हैं, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट देख सकते हो हर मैच में कन्फर्म आपको 2-2 ओवर डाल के देगा। लास्ट मैच में देख सकते हो आप 2 ओवर डाल के 2 विकेट उन्होंने निकाले थे, यानी अच्छी बॉलिंग है, आपको इसे जरूर अपनी टीम में मौका देना चाहिए। हैंडल गोर्डन की तरफ आ जाते हैं, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। लास्ट मैच में विकेट लेस रहा था बट डेथ में बॉलिंग करने आएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हो हर मैच में कन्फर्म आपको 2-2 डाल के जा रहा है तो इसे आपको जरूर मौका देना चाहिए। फिलहाल लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे पर चांस है कि इस मैच में मौका मिल जाए अच्छा। यहाँ से आज चार्टन ब्रुक्स की तरफ आ जाते हैं, 0-1-0 विकेट 1 विकेट 9 बैटिंग 0 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। देख सकते हो अब तक टोटल 6 मैच खेले हैं बट यहाँ पर ना सिर्फ 2 ही विकेट मिले हैं अब तक। देख सकते हो कन्फर्म 2 डाले थे लास्ट मैच में पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। क्रिस्टोफर लेमोंड की तरफ आ जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पर ना सिर्फ 1 ही विकेट नाम है इनके, डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, कन्फर्म 2-2 डाल के जाते हैं बट आप इसे मौका दे सकते हो क्योंकि ना फिलहाल तो कमजोर चल रहा है पर अच्छी बॉलिंग कर लेता है बंदा। यहाँ से आए माइकल ब्रेट्स की तरफ, लास्ट 4 मैच में मौका मिला था, 1 विकेट 9 बैटिंग 0 विकेट और 9 बैटिंग, सिर्फ 1 ही मैच में विकेट निकाल पाए थे, बाकी पूरे दोनों तीनों मैच में फ्लॉप रहे थे। एंथोनी ब्राउन की तरफ आ जाते हैं, खास रिकॉर्ड नहीं बनता, इसे छोड़ सकते हो। बेंच में से कोई प्लेयर खेलेगा उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ से ना अलर्ट गोपी खेलता है तो अच्छा रिकॉर्ड बनता है, इसे आप मौका दे सकते हो। जैसे यहाँ से ना करिश्मा संतोखी खेलता है ना तो इसे अपनी टीम में जरूर मौका देने वाला हूँ क्योंकि ना ऑलराउंडर प्लेयर है, आपको देख सकते हो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 14 विकेट 38 1 विकेट और 2 विकेट। देख सकते हो लास्ट वाले मैच में ना 1 विकेट 1 ओवर डाल के 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, यानी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग बॉलिंग अच्छी है, खेलता है तो आप अपनी टीम में रख सकते हो। स्टार्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे सी लेमोंट, जे थॉमस और ए गोर्डन। डेथ के ऑर्डर आ जाएंगे सी लेमोंट, ए गोर्डन, जे थॉमस। जो डेथ में आता है वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विकेट के पॉइंट आपको अच्छे मिल दे देता है। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम यू एन एस की बात कर लेते हैं, लास्ट 6 मैच खेल के आ रही है टीम, 3 मैच विन किए हैं, 3 मैच हारे हैं, लास्ट मैच जीत के आ रही है। लास्ट मैच ओपनिंग की सोवेन विल्सन ने, दामिनी सिवल ने। विल्सन की बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड बनता है, 27-16-0 विकेट 61 नॉट आउट 13-11 और 49 नॉट आउट। देख सकते हो लास्ट मैच में अच्छा रिकॉर्ड है बंदे का, लास्ट मैच में 49 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली थी।
यहाँ से आया दामिनी सिबेल की तरफ, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ना आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से चिपोन दे देगा। 2-0 विकेट, 1-2 विकेट, 12-1 विकेट, 8-1 विकेट, 29-1 विकेट और 29 रन, 0 विकेट। लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कन्फर्म आपको हर मैच में 2-2 डाल के जाएंगे हैं, बैटिंग के साथ में बॉलिंग से भी चिपोन दे देंगे। यहाँ से आए मिल्टन मिल्स की तरफ तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक मैच में 25 रन के चिपार खेली थी, बाकी पूरे 5 मैच में फ्लॉप रहा था। तियान जेलेट की तरफ आ जाते हैं, 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में सिर्फ 25 रन के छिपारी खेली थी, बाकी पूरे 3 मैच में फ्लॉप रहे हैं, 0 विकेट, 6 रन और 6 रन। क्लब T20 के 1 मैच खेला है, 2 विकेट हैं, 4 ओवर डाल के। 2019 में ना ओडी खेला था 13 मैच, 38 रन हैं, 30 विकेट है, बट यहाँ पर देख सकते हो आप 100 ओवर डाल के 30 विकेट हैं, और लास्ट 3 मैच में देख सकते हो बॉलिंग मिली भी नहीं है, बैटिंग की थी खास, तो यहाँ पर आप इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं सासन एंडरसन की तरफ, फर्स्ट वाले मैच में 21 नॉट आउट के छिपारी खेली थी, बाकी पूरे 5 मैच में फ्लॉप रहा था। यहाँ से जाए मॉय कैंपबेल की तरफ, देख सकते हो यहाँ पर ना 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 रन और 9 बैटिंग, लास्ट 3-4 मैचों में फ्लॉप रहा था। बाकी पहले वाले 2 मैच हुए थे ना, उन्होंने ना कन्फर्म 2-2 ओवर डाल के कन्फर्म 2-2 विकेट निकाले थे, यानी बॉलिंग तो अच्छी कर लेता है, फिलहाल फ्लॉप चल रहा है। यहाँ से आया रोकजोन हेनरी की तरफ, तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में इसे जरूर मौका देने वाला हूँ, क्योंकि देख सकते हो लास्ट मैच कन्फर्म 2 ओवर डाल के ना 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग कर लेता है, तो यहाँ पर आप इसे मौका दे सकते हो। रोमारियो मार्शल की तरफ आ जाते हैं, सिर्फ लास्ट मैच में ही मौका मिला था, जिसमें 2 ओवर डाल के 1 विकेट उन्होंने निकाले थे, डेथ में बॉलिंग की थी। क्लब T20 के 4 मैच खेले हैं, 2 विकेट, 8 ओवर डाल के। 2019 में 5 खेले थे, 6 विकेट हैं, 17 ओवर डाल के। यहाँ से आज जावेद विलियम्स की तरफ देख सकते हो, 3-5 मैच में 9 बैटिंग रहा था, सिर्फ 1 मैच में बैटिंग मिली थी जिसमें 0 रन है, तो खास नहीं है। यहाँ से आया सेल्डन प्राइस की तरफ, 1 विकेट, 21 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट, हर मैच में कन्फर्म आपको 2-2 ओवर डाल के जा रहा है, डेथ में बॉलिंग करने आएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना अच्छे विकेट निकाल रहा है हर मैच में, देख सकते हो सिर्फ एक ही मैच में विकेट ले रहा था, बट यहाँ पर उस मैच में भी 21 रन की अच्छी पारी खेली थी, तो जरूर से आप अपनी टीम में मौका दे सकते हो। यहाँ से आ जाता है रेमोन फ्रांसिस की तरफ, तो लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था, उससे पहले आप देख सकते हो सिर्फ एक ही मैच में 2 विकेट हैं, बाकी पूरे मैच में 0 विकेट हैं, कन्फर्म 2-2 ओवर डालता है, अच्छी बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी है, मौका दे सकते हो, डेथ में बॉलिंग करने आएगा। यहाँ से बेंच में से कोई प्लेयर खेलता है उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ से ना एंथोनी मैकलन खेलता है, तो इसे अपनी टीम में जरूर मौका देने वाला हूँ, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर लेता है, तो इसे आप मौका दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मॉर्गन खेलता है, तो अच्छा प्लेयर है, स्टार्टिंग में डाले जाएंगे आर हेनरी और आर फ्रांसिस, डेथ को डाले जाएंगे आर मार्शल, एस्पायर्स और आर फ्रांसिस, जो डेथ में आता है हमेशा आपको लेने वाला है, विकेट के पॉइंट आपको 6 दे जाता है। तो वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल के जुड़ना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर ही आपका अपडेट्स फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहां पर आप कमेंट करोगे वहां पर पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। तो चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर अपने विकेट के पास सेक्शन से करने वाला हूँ डी ब्रायस को, बैटिंग सेक्शन से आर इनग्राम को, एस विल्सन को, और यहाँ पर देख सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन से डी सीवल को, एस पायरसल को, जे थॉमस को, बॉलिंग सेक्शन से आप देख सकते हो सी लेमोंट को, ए गोर्डन को, आर हेनरी को, आर पोटिंगर को और आर मार्शल को, और यहाँ पर मैं ना कैप्टन करने वाला हूँ डी सीवल को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ एस पायरसल को, बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बार बार बोल रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको टेलीग्राम से ना काफी जरूरी जाता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बार बार बोल रहा हूँ आप इसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहां पर आप कमेंट करोगे वहां पर पिन के ऊपर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक पैरा सा कमेंट कर देना है फ्रेंड, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।